माधुरी दीक्षित जी का और सलमान सर का ज्ञान, एंड चंपक जैन जी भी इतना अच्छा काम करते हुए इतनी अच्छी अच्छी फिल्म सुनने दी है, और स्पेशली ये जो सॉन्ग है मेरा दिल पे कितना पागल है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज जब ये सारा सॉन्ग निकला था बहुत पहले, तो जब कुमार सानू जी ने गाया था इस सॉन्ग को, तो इस सॉन्ग को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो ऑब्वियसली मेरे पर बहुत प्रेशर था इस सॉन्ग को गाने के लिए। तो जब पहली जब मुझे ये सॉन्ग मिला तो मैं बहुत डरा हुआ था ऑनेस्टली, मैंने बोला था पता नहीं मैं सॉन्ग को गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा, मैंने बोला कि आप आर यू श्योर कि आप चाहते हो कि मैं इस गाने को गाऊं, तो सब लोग को बहुत भरोसा था मुझ पर, बहुत ट्रस्ट किया, स्पेशली वीरल मोटानी जो इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनने मुझे बोला था कि स्टेबिन तू इस गाने को गा सकता है, तेरे अंदर ये आवाज़ है, तो ऑब्वियसली उनने मुझे इतना ट्रस्ट किया, तो मेरे अंदर एक इतना प्रेशर था और इतना एक पावर भी था, एक प्यार था, ओके सो ही इज़ वीरल मोटानी, ही हैज़ प्रोड्यूस द सॉन्ग एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ चंपक जैन जी, सो इनने मुझ पर ट्रस्ट किया, कंपनी ने मुझ पर ट्रस्ट किया, सब ने मुझ पर भरोसा रखा, तो मैंने एक बहुत अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करी आवाज़, एंड शायद आप लोग को पसंद आए वो गाना और आपको आवाज़ पसंद आए और सभी को शायद पसंद आए, तो एक प्रयास किया है हम सब लोगों ने मिलकर, एक छोटी 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 एफर्ट्स बहुत सब लोगों ने डाले एक्चुअली थोड़ा 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 करके, तो लेट्स सी अब बाकी अब आप लोग बताएंगे गाना कितना अच्छा आपको लग रहा है और लोग गाने को कितना पसंद कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना। मुझे तो यही गाना गाने तो बहुत सारे इंडस्ट्री में अनगिनत गाने हैं, जब मैं साजन की बात करता हूँ तो साजन संगीत के लिहाज से एको करना चाहिए, बेसिकली 27 साल कंप्लीट हो रहे थे साजन को, तो वो एक सबसे बड़ी बात थी और ये उस टाइम का सुपरहिट गाना था, तो वी थॉट लेट्स ट्राई आवर लक ऑन इट। सर अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो पर बेसिकली आप सभी जानते कि ये इतने बड़े एक्टर्स हैं संजय दत्त जी, सलमान जी और माधुरी दीक्षित जी, कि अगर जो नहीं भी पैदा हुआ होगा उसने भी मूवीज़ को 100 बार देखा होगा और इतनी बार देखा होगा, तो जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस इंडस्ट्री का और उठते सी बॉलीवुड गाने सुनता हूँ, बॉलीवुड लाइफ देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने इस गाने को इतना पसंद किया है पहले, तो मेरे लिए तो ये सॉन्ग बहुत बड़ा है, और जैसा कि आपने कहा कि मैं मेरी उम्र क्या रही होगी तो मैं तो नहीं रहा उस टाइम पे, बट मेरे लिए इस सॉन्ग के लिए इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और जैसे कि 27 ईयर सेलिब्रेशन इस सॉन्ग का, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ऑलरेडी। अब लेट्स सी आप लोग का रिएक्शन क्या होने वाला है सॉन्ग सुनने के बाद और कैसा लोग पसंद करने वाले सॉन्ग। सर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी मैं इन सबसे मिलने वाला हूँ, अभी मैं संजय दत्त जी से नहीं मिला हूँ, तो ऑब्वियसली जब ये देखेंगे सब जानेंगे और जब मैं इनसे मिलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो लोग मुझे बताने वाले उनको सॉन्ग कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो आई एम जस्ट वेटिंग राइट नाउ कि रिएक्शन सबके कैसे होंगे, और ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा था जैसे कि इतने बड़े बड़े लोग इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व थे, पर अब ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि वो उन्हें गाना कैसा लगता है, वो क्या बोलने वाले हैं मुझे गाना सुनने के बाद और वीडियो देखने के बाद। हालांकि चंपक जी को सॉन्ग पसंद आया तो मैं बहुत खुश हूँ, चलिए चंपक जी से बात करते हैं। चंपक जी बधाई हो पहले आपको कि 27 साल फिल्म ने कंप्लीट किए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं चंपक जी एंड चंपक जी के ब्लेसिंग से और चंपक जी के सपोर्ट से ही ये गाना बाहर आया है। जी हाय, कैसे हैं आप? चंपक जी 27 साल और एक कामयाब फिल्म हम सब जानते हैं, किसी भी आज एक अलग तरीके से उसको उस गाने को पेश करा जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस पूरे आइडिया के बारे में, और दूसरी तरफ नॉस्टैल्जिक एक अलग औरत और दौर रहा है। देखिए वो जो साजन का दौर था वो इतना बेहतरीन, मतलब इतना ज़बरदस्त दौर था, जब हम लोग तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा यंग थे एक्चुअली सर, सुधाकर बुकाड़े साहब, नदीम श्रवण, समीर साहब, इन्होंने इतनी कितना खूबसूरत, मतलब इतने खूबसूरत, मतलब ये गाना एक अकेला मेरा दिल भी तो पागल हिट नहीं था, उसके पूरे के छः छः के गाने सुपर डुपर हिट, तो अभी हमने सब उसको वापस रिवाइज करने के लिए सोचा है, तो मिस्टर विरल जो है यहाँ पे, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है सारे प्रोजेक्ट में, और ये डायनामिक जो सिंगर देख रहे हैं ये अभी फ्यूचर का सिंगर है, ये कमाल गाया भी है इन्होंने, बहुत खूबसूरत गाया है, वेरी हैप्पी, और मेरी बेस्ट विशेस इसके साथ हैं कि ये मतलब इनका हमारी कंपनी के साथ ये पहला गाना है, और मुझे लगता है कि हम ये गाना तो कर ही रहे हैं, आगे हम इनके साथ मतलब नया गाना भी करेंगे, एक नई कंपोजिशन होती है उसमें एक सिंगर को अपनी एक अलग पहचान मिलती है, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा गाया, और इनकी पूरी टीम जो पूरी टीम है, वीडियो डायरेक्शन है या वीडियो में जो भी लिया है, तो सारा काम बहुत ही बेहतरीन हुआ, और मुझे लगता है कि आज की जो यंगस्टर जो जिस तरह से लोग उनको अमर देखिए पुराने गाने तो आज भी लाइक करते ही, लेकिन उसको रिक्रिएट किया हुआ गाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या आप मानते हैं रिक्रिएट करने, सॉरी टू कट यू, हां श्योर श्योर,
जैसे आप बात कर रहे हैं रिक्रिएट करने की, आप मानते हैं सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब रिक्रिएट करते हैं? डेफिनेटली बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। एक ऑलरेडी गाना जो बहुत कामयाब रहा है, एक संगीत बहुत कामयाब रहा है। नहीं देखिए, अभी मैंने इसके पहले जब कोई बात बिगड़ जाए किया था, वो इतना बड़ा हिट हुआ। आप देखिए मतलब सक्सेस, मतलब 2018 के मार्च में मैंने रिलीज़ किया था, अब उसके 96 मिलियन हिट्स है उसके ऊपर। अब शॉर्टली वो 4 मिलियन और हिट हो गए, 100 मिलियन हिट हो गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, उस ज़माने में कितना बड़ा हिट गाना था, तो वो गाना भी हिट हुआ हमारा, और मुझे लगता है ये भी 100 मिलियन के आसपास ही जाएगा। जैसा विरल का कहना है, देखिए हीरो बने हुए इस गाने के, तो बहुत No, that I can never be. Being a Madhuri ma'am, I can never even imagine thinking of that. But yeah, just living that moment, you know, thinking that Madhuri ma'am song is there and I'm doing it, that was like exciting and yeah, it was beautiful. A sense of responsibility goes out to a song like this. Yeah, it does, because the pressure is there. You have to perform, face the camera, you have to look good and you have to match. Even if you try so hard, you can't match till that level. But you know, we tried our best to like look good and perform well. Who is my Sanjay Dutt? I wish I could perform with Sanjay Dutt in that and do a little romance. Nobody can be Sanjay Dutt. I was already here though, but एक बार हम साथ आ जाते हैं, जैसे कि आपने हमें साथ में देखने वाला, हमें सॉन्ग में तो obviously एक बार जरूरी पर और एक बार देखने साथ में। He has been so supportive for me throughout the time. I have to thank you for this, and he has done an awesome job in this song. Thank you. बिल्कुल, सपोर्ट करने की हमारी हैबिट है। हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी जिसके साथ ही काम करें, एक फ्रेंडली बिहेवियर में काम करें, क्योंकि जब एक फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है तो बहुत टफ हो जाता है काम करना, बिकॉज यू आर नॉट कम्फर्टेबल वर्किंग विद पीपल। सो यही हम लोग का था कि हम लोग जैसे ही मिले, हम लोगों ने एक दूसरे को कम्फर्टेबल किया। पहले हम लोग दूसरे को जाने थोड़ा बहुत, उन्होंने काम करना चालू किया, बट बहुत कम टाइम मिला एक्चुअली दुबई में। एक्चुअली जाते से हम लोग सीधे वर्क पे चले गए थे, और आई थिंक टू डेज में वी फिनिश्ड आवर शूट, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम एक्चुअली। एंड लकीली चरित जी जो हमारे डायरेक्टर है, उनने इतना कम्फर्टेबल किया हम दोनों को, इतना कम्फर्टेबल किया, मतलब प्रॉपरली सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज आई एम अ सिंगर, आप लोग जानते हैं कि सिंगर के लिए इतना ईजी नहीं है एक्ट करना एट द सेम टाइम, बट ही मेड मी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल वाइल एक्टिंग, आई वॉज हैविंग माई ओन गुड टाइम, एंड आई थिंक ही मेड इट वेरी ईजी। सी आई थिंक कंपेरिजन तो बहुत दूर है एक्चुअली, क्योंकि संजय दत्त जी और सलमान जी और माधुरी जी दे आर लेजेंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कंपेरिजन सिर्फ यही होगा कि हाँ, ये लोग कोशिश करें, इन्हें कुछ रीमेक किया है, बट हम लोगों ने पता है कोशिश यही किया कि ना एक पॉजिटिव साइड में सॉन्ग को लेके जाए, कि सॉन्ग को सॉन्ग का सोल नहीं लेके जाए सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो एक सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि सॉन्ग में ज़्यादा रीमेक करते 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 कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ा के गाने को कुछ ख़राब नहीं करना है, गाने में कुछ गड़बड़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, जब वीडियो भी आ रहा था तो वीडियो में बहुत सिंपलिसिटी कैरी करनी थी, वीडियो में हम लोग को बहुत सिंपल दिखाया गया, और वो ही मुझे चाहिए था कि इतने प्यारे सॉन्ग में मुझे बहुत हीरो नहीं बनना था, मुझे एक बहुत सिंपल बंदा रहना था, और शायद चरित जी ने इसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, तो आई एम श्योर कि लोग पसंद ही करेंगे, ज़्यादा कंपेयर ज़्यादा नहीं करेंगे। पसंद ही आपको बहुत प्यार करेंगे, हमारा दोस्त। How are you, bro? Good, darling, I'm good. How are you? Great. I am so happy. आज मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा सगा दोस्त, हम लोग मिलेंगे एक सुखविंदर सिंह के कॉन्सर्ट में। हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे, मुझे वो दिन पता था ये लड़का स्टेपिन में मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है, और ये पूरे इंडिया को रॉक करने के वाला है। यू नो विद द बेस्ट पीपल ऑफ साजन, आई एम सो एक्साइटेड स्टेपिन मैन। अरे देखो, आप लोगों को पता मैं अमेरिका से हूँ ना, तो मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। जो मैं कहना चाहूँ, इज माय ब्लड ब्रदर, मेरा भाई, आई लव हिम ब्रो। बेसिकली हम लोग एक ही कंपनी में शूट करते थे साथ में, तो उसके बाद लकीली हम लोग को इतनी बार परफॉर्मेंस का मौका मिला। हम लोग पहले हैदराबाद शो करने गए, फिर हम लोग दुबई भी साथ में शो करने के लिए गए, तो हम लोग इतने शोज कर लिए साथ में कि हम लोग ऑब्वियसली यूज्ड टू हो गए साथ में दूसरे के। आकाश क्या लग रहा है, देखा गाना? आई एम जस्ट
मैंने और नहीं देखा होगा आपको तो पता ही है मेरे बापू से सबसे पहले मैंने देखा oh and it's so rocking man this guy he brings simplicity to the key and it's so perfect and makes you feel like you are in the video और आपका खुद का अंदर से आपको फीलिंग आएगा जब आप देखो ये it's gonna be rocking it's gonna be सजा चलो गाइस मैं जा रहा हूँ स्टेपिंग बेस्ट ऑफ लक ब्रो आकाश जाते जाते कुछ एक रैप या कुछ नहीं आज नहीं कोई रैप नो नहीं आज कोई बैंग बैंग और रैप नहीं होने वाला है आज होगा बस साजन दैट्स इट आकाश एक लास्ट क्वेश्चन बिग बॉस की बात करें लास्ट आज बिग बॉस की भी बातें नहीं होगी एक सेकंड आई थोड़ी देर आप खड़े होइए और आप थोड़ा बात करिए नहीं सर थोड़ा सा मिलते नहीं हो हर 15 दिन में मेरे घर में मीडिया आ रही है मेरे गाने आ रहे हैं क्या बात कर रहे हो सब आते हैं बॉन बॉन बिस्किट याद नहीं है क्या रोमिल मेरी माँ का फेवरेट रोमिल तो मुझे रोमिल ही पसंद है मैं रोमिल के ऊपर ही मैं डाल रहा हूँ मैं बस रोमिल बस अभी बस 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 क्या नहीं नहीं हेलो विकास बिफोर साजन गोज हेलो विकास गुप्ता मेरा शो में दुश्मन था बाहर आके वो मेरा सच्चा दोस्त बना है मुझे एमटीवी एसो स्पेस में बुलाया मेरा गाना प्रमोट किया आई लव विकास गुप्ता एक नंबर आदमी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है आई लव आरसी आल्सो ओके प्लीज गाइस हम लोग बिग बॉस नहीं खेलना है नहीं 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 प्लीज आई लव यू मीडिया हम लोग बिग बॉस नहीं खेलना है आज साजन करना है प्लीज मेरे को खुशी खुशी जान दोगे मुझे खुशी खुशी जान दो बस एक टाइम प्लीज एक टाइम मेरे भाई के लिए साजन लव यू थैंक यू आकाश थैंक यू साजन अपने आप में बहुत कामयाब हुई का मतलब संगीत के लिहाज से अभिनय के लिहाज से क्या सोचा था यहाँ तक आज आज जहाँ खड़े कि उसको रिक्रिएट करा जा रहा है नए अंदाज में पेश करा जा रहा है और लिखा था आपने ब्रीफ करा गया होगा क्या आज तक भी और क्या इमोशनल होते हैं समीर साहब डेफिनेटली बेटा क्योंकि बहुत सारी जैसा तुमने कहा बहुत सारी यादें हैं जो पुरानी हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और होता क्या है कि ये गाने जो आज से 25 साल 27 साल पहले एक गाना आया था और लोगों ने बहुत सराहा और ख़ास तौर से हमारी म्यूजिक कंपनी के जो ये ओनर लोग हैं इन लोगों ने उस फिल्म को और उस म्यूजिक को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और चूँकि ये बहुत ट्रेंड सेटर म्यूजिक रहा है साजन का तो जब ऐसा कोई प्रयोग होता है अभी मेरे बहुत से गाने इस साल हुए हैं रिक्रिएट और जब चंपक से मेरी बात हुई और इन्होंने कहा कि मेरा दिल भी कितना पागल है को हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं सो हम लोगों को तो बड़ी घबराहट होती है कि यार इतना बड़ा गाना इसको रिक्रिएट कैसे किया जाएगा मगर जब मैंने गाना सुना इन्होंने आज मुझे भेजा गाना तो इतनी खूबसूरती से ये बच्चे जिन्होंने रिक्रिएट किया है हार्दिक और विकी ने बहुत अच्छे से किया और इससे एक जो सबसे अच्छी बात होती है कि यूथ के साथ जुड़ने का जो एक मौका हमको मिलता है क्योंकि ये जो बच्चे जो आज 23 साल 24 साल के हैं इनको पता नहीं कि साजन क्या थी गाने क्या थे और जब ऐसे गाने आते हैं और इनके साथ ये जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान इनके साथ बन जाती है तो एक हमारी ज़िंदगी में हमारे करियर में भी एक ताजगी एक नयापन आता है और इन गानों को नई जनरेशन तक और एक और दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का मौका मिलता है समीर सर जब गाना अभी उस वक्त जब लिखा था आपने बहुत सारे ऑफ कोर्स गाने हम सभी सुनते आ रहे थे बट एवरी सॉन्ग हैज इट्स स्टोरी यू नो व्हेन यू आर राइटिंग इट सम ब्रीफ भी होता डायरेक्टर का कि ये सिचुएशन है ये और ये अमूमन ये भी होता धुन पहले बन जाती है जब बाद में लफ्जों को उतारा जाता है मेरा दिल भी कितना पागल उससे जुड़ी कहानी अगर बेटा इससे कहानी तो फिल्म की कहानी थी हमारी कोई कहानी नहीं थी हमारी इतनी कहानी हमारी इतनी सी कहानी ज़रूर थी कि जब माधुरी जी आई किसी प्रीमियर पे तो लोगों ने बोला भाई देखिए इस कहानी में आप जो हैं उस फिल्म का जो शायर है उससे आप इश्क करती हैं तो सचमुच तो आपको समीर जी से इश्क करना चाहिए सलमान और संजय से क्यों कर रही हैं सो ये सारी बातें याद आती हैं और बहुत अच्छी फिल्म थी कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी और म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ चूँकि वो मेरी कहानी थी एक शायर की कहानी थी और जब मैंने इसके गाने लिखे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उनको मैं लिख रहा हूँ सो बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से वही एक वजह है जो आज तक इसका म्यूजिक इतना बड़ा हिट है क्या आप गाने से आपने और ये लोग जो काम करते हैं वो बिना सेटिस्फेक्शन के करते ही नहीं
ये रिक्रिएट करने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी वो मुझे पता है। ये जो आप तक जो बात पहुंची है इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी होगी और काफ़ी लोगों से इन्होंने अप्रोच किया होगा, जो बेस्ट रहा होगा उसी को आप तक लेके आए। ये सबसे पहले मैं इनका जो है ये हमारे बिन तेरे सनम जो हमारा लास्ट रिक्रिएट था ये उनमें उनकी हीरोइन थी, तो आज ही हमारे बीच में गेस्ट बन के आई है। सॉन्ग हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ, आई थिंक इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग। सो मेरा दिल भी कितना पागल है, और आई थिंक हर एज में हम ये सुनते हैं और आई थिंक कनेक्ट करते हैं, और उन्होंने जो रिक्रिएट किया है वो भी बहुत खूबसूरत है जैसे पहले था। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। We'll be right back.
एक्चुअली 5 मिनट के लिए था, सिर्फ हाजिरी लगाने आया था, बट उसकी आवाज़ इतनी सूदिंग है दैट आई कॉन्ट रियली गो बैक. एंड मैं यहाँ पे हूँ अभी काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया होगा हम लोग यहाँ पे. एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो वीनस टू. आई थिंक 27 साल हो गए हैं आई गेस. सो या सो रिक्रिएट जो किया है म्यूजिक इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग. मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था जैसे मैं अंदर आया और मुझे पता चला, फ्रेंड ने मुझे बताया कि साजन को गाना रिक्रिएट किया है, तो मैं एकदम से लॉस्ट हो गया था बिकॉज इट्स बीन 2 ईयर्स मैं ये उन दोनों की बातें शूट कर रहा हूँ. वो भी सलमान भाई वाला, वो भी सलमान भाई वाला, तुम भी सलमान भाई. तो मेरे लिए डबल खुशी थी, मतलब एक तो मेरा दोस्त और सेकेंड जिस शो से मुझे लोग जानते हैं, और तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन आ गया था. सो यू नो आई एम हैप्पी, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. सेबिन ने अच्छा गाया है, अच्छा वीडियो. बस मैं सोच रहा था सेल्फिश होके कि काश उस वीडियो में एक झलक मेरी दिख जा सकती थी. मेरे रंग में रंगने वाली वो नेवर थॉट ऑफ इट यार. आई मीन बिकॉज़ वी आर डूइंग 90s का शो ना, तो हम नहीं कर रहे हैं इनको ज्यादा पुराने गाने याद है, सो ही इज मोर कनेक्टेड दैट वे. वेल अभी तक कुछ प्लान नहीं किया, नो सच प्लान्स एज येट. आई मीन तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं क्या बाहर जाने के? मैं तो जहाँ आप जाओगे वहाँ. नहीं अभी सच कुछ प्लान नहीं किया, बट हाँ जस्ट वांट टू विश यू एवरीबॉडी मेरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सबके सब. देखिए अभी रात के 12:45 बज रहे हैं और कोने में खाना खा रहे हैं सब वैसे, बट इट्स लाइक ग्रेट जॉब. 12 बज गया और घर पे मैं बोल चुका हूं, सो चुका हूं. या एब्सोल्युटली. सो ग्रेट जॉब एवरीबॉडी एंड जस्ट विशिंग यू गाइस अ रियली रियली अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर. प्ले सेफ एंड बी सेफ. या यू वर्क विद द खतरों के खिलाड़ी, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद रोहित सर? रोहित सर से मैं सुबह ही मिल के आया हूं यार अभी, और अमेजिंग एक्सपीरियंस था. इट हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद रोहित सर. एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. I kind of idolize him because मैं खुद अपने stunts खुद करता हूँ, and I just wish कि भाई रोहित सर किसी तरह में कहीं कोई जगह दे दें. बट नो ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था खतरों के खिलाड़ी का जो भी था. जितने टाइम आई वॉज 40 डेज आई वॉज देयर इन अर्जेंटीना एंड हैड गुड फन. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पेशेंस सीखा, एंड बस अपने माइंड को और अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करा किया जाता है वो बहुत अच्छा था. एंड रोहित सर को बहुत सारी गुड विशेज उनकी फिल्म के लिए जो सिम्बा के लिए. आला रे आला. यस जीरो जीरो सिम्बा सिम्बा एग्जैक्टली. मैं तो सिर्फ सारा के लिए हूँ, बाकी तुम्हारा पता नहीं. सारा के लिए मैं यार मेरा ऐसा मानना है कि एक फिल्म ना बहुत मेहनत से बनती है, तो जाके देखना तो बनती है, तो मैं तो दोनों ही जाके देखूंगा, बट आई एम वेटिंग फॉर सिम्बा सारा. फिटनेस को नहीं लेता बिकॉज आई फाइंड सलमान भाई हल्के से मोटे हैं, हल्के से, बट आई वुडन्ट से दैट. बट सलमान भाई अलग ही लेवल के यार. मैं सबसे बेस्ट चीज उनकी क्या लगती है मुझे, उनका बिंदासपन. आई मीन शाहरुख इज अ रियली गुड ओरेटर, मतलब अगर 1000 लोग खड़े होंगे तो शाहरुख भाई कैन डू वंडर्स, बट सलमान भाई का जो बिंदासपन है आई जस्ट लव इट. आई मीन जी जी मैं देखता नहीं बिग बॉस ऑनेस्टली, मैं फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी बिग बॉस, नॉट माय काइंड ऑफ अ शो. एज यू मेंशनड सलमान मेरे गुरुजी हैं यार, मतलब हां मैं पहले बहुत बहुत अजीब सा एज इन नर्वस रहता था, बट जब से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया है तब से तो मैं ऐसा हो गया मैं. ओके एज यू मेंशन सारा अली खान, तो क्या डेटिंग में जाएगी सारा अगर मैं ऑफकोर्स यार ऑफकोर्स व्हाई नॉट. ये क्या मतलब हुआ है, बट तो ना बिगे सारा. सो आई टेल यू वन सीक्रेट, मैंने ना मतलब एक दिन बैठा हुआ था ऐसे जिस दिन केदारनाथ रिलीज हुई, तो मुझे ना बड़ी प्यारी लगी सारा, तो मैंने गलती से, अब गलती है नहीं पता नहीं, बट यू नो मैंने उनको DM किया कि ना विश यू ऑल द बेस्ट फॉर केदारनाथ हे सारा, बट रीड नहीं हुआ. Yeah. Then how was the experience working with Vikas Gupta? We have seen you have put lot of pics in social media when you are doing Khatron Khiladi. How was the experience? The most controversial personality
विकास हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, विकास गुप्ता का नाम ही कंट्रोवर्सी रख देना चाहिए ऐसा लगता है, पर नहीं, अच्छा अच्छा इंसान है, दिल के साफ है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास इतने सवाल आते कहाँ से हैं? सब बेचारे शांत खड़े हैं, आप बैक टू बैक सवाल पूछ रहे हो, कैसे सबके सब शांत हैं, कैसे कर लेते हो? वो जब आप शो देखेंगे आपको, जब फियर फैक्टर अभी स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा क्या क्या कंट्रोवर्सी थी और किस किस कंट्रोवर्सी से विकास बाहर निकल के आया है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर।